मॉर्निंग दोस्तों, बड़े को नमस्कार, छोटे को ढेर सारा प्यार, हमारी दूसरी रही बढ़ रहा। चलिए आज को लॉक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज आपको कोजागिरी पूर्णिमा का दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं। ये दोस्तों कोजागिरी पूर्णिमा वैसे मेरे को भी इतना अच्छे से मालूम नहीं, तो आइए मम्मी से पूछते दोस्तों। मम्मी को भी पता नहीं है, पता करके बताऊंगा, लेकिन आपको पापा आएंगे तो पापा से पूछो पापा कौन रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज का दिन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नाश्ते में क्या है। हम लोग का ब्राह्मण समाज है ना, जिसको शादी होती है ना, तो एक फंगे बाकी लोग बनाते हैं कोजागिरी पूर्णिमा वाली, बाकी लोग भी कोजागिरी पूर्णिमा आते। तो हमारा समाज क्या बोल रहे हो आप? ब्राह्मण समाज, सब समाज से, लेकिन कोजागिरी पूर्णिमा तो ब्राह्मण समाज के। उसमें हम लोग इधर खास मनाते हैं, वो खास मनाते हैं, फेस्टिवल होता है। होता क्या? शादी होता है। शादी छोड़ो, होता क्या मतलब क्या कोजागिरी पूर्णिमा? एक रस्म होता है। रसम लड़के लोग का एक रसम होता है जो मनाते हैं। ये होता है, सब बनाते हैं, ऐसा थोड़ी है। रसम कभी कभी होता है जब शादी होती है, ऐसा थोड़ी रोज होता है। फिर मम्मी एग्जैक्ट नहीं बोली है, मम्मी को मालूम है, देखा नहीं पता मेरे को। चलिए कोई नहीं, पापा से पूछूंगा, मैं बताऊंगा आपको। आज हमारे इधर धांडा का कॉम्पिटिशन है दोस्तों रात को, तो वो भी आपको दिखा दूंगा। इसके लिए अभी लग जाऊंगा पढ़ाई के लिए, उससे पहले पहले नाश्ता कर लेते, फिर लग जाते पहले पढ़ाई के लिए। एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेंगे अभी, ताकि रात को आपको डांडे वापस दिखाऊंगा। यार इस टाइम प्रोग्राम किया कोजागिरी पूर्णिमा का हमारे इधर, फर्स्ट टाइम है, इतने समय से हुआ नहीं था बीच में, ये पहली बार है। और डांडे और प्राइस पूल बहुत सारे अच्छे अच्छे, जैसे कि टीवी, ओवन, स्मार्ट वॉच, पता नहीं, देश आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखते हैं नाश्ते में क्या है। दोस्तों लगता है आज भी खाने में आलू का पराठा, और इधर मम्मी ब्रश करी है, तो खाने का पराठा है। चलिए देखते हैं खाने का पराठा कैसा रहेगा। चलिए दोस्तों आलू की भाजी पराठा है खाने में, तो चलिए खाना खाते हैं। आप कब खाओगी? अच्छा पूजा करने के बाद। चलिए दोस्तों हम खा लेते हैं। तो ये पराठा वापिस सेक्सी था, लाजवाब था, कल के ऐसे ही, कल के ऐसे ही पड़ गए, ऐसे मजा आ गया। तो चलिए लग जाते हैं पढ़ाई में, बैठ जाते हैं पढ़ाई में, अच्छे से पढ़ते हैं, घिस के पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे तक पढ़ते हैं, ए टू जेड पढ़ते हैं, अच्छे से किताब पढ़ते हैं। पढ़ लिए दोस्तों, तो देखते हैं खाने में क्या है। यस भूख लग रही है, तो पढ़ाई से ब्रेक और खाना में देखते हैं खाना क्या है। तो दोस्तों अभी आप जैसे कि देख रहे हो, वही सुबह नाश्ते में जो पराठा था, पराठा और उसके साथ साग है, रोटी भी है, रोटी भी खाऊंगा पहले पराठा। ये साग किसका है? कर्मी का। कर्मी मतलब दो पत्ता तक ग्रीन। तो दोस्तों यस, आज ग्रीन वेजिटेबल है, ग्रीन सब्जी है, खाना चाहिए ग्रीन सब्जी, सेहत के लिए अच्छा होता है। चलिए खाते हैं मैच के साथ, इंडिया और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। दोस्तों खाना खा के हो गया, अच्छा था खाना, तो रेस्ट लेता और फिर शाम को निकलते हैं बाहर। गुड इवनिंग दोस्तों, यस शाम हो चुकी है, चले चलते हैं बाहर, थोड़ा बाहर चलना ही जरूरी है, बहुत पड़ते हैं, तो थोड़ा बाहर जाऊंगा तो थोड़ा मेंटली स्ट्रेस रिलीफ होता है दोस्तों। नहीं तो एकदम बंद हो जाता है ना, तो दिमाग एकदम दुखता रहता है और फिर हेक्टिक होता है और गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पता नहीं क्यों, मेरे को होना नहीं चाहिए, बुरी बात है, लेकिन सॉरी क्या बताओ। तो बेटर है थोड़ा ब्रेक लेते हैं, चलते हैं बाहर और फिर वापस आएंगे तब पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नीचे। हम फाइनली गार्डन में आ गए, मैं आपू भाई, अभी फिलहाल फिरा तो है नहीं, और बाकी सारा जो आएंगे तो चेस वेस खेलेंगे, थोड़ा बीमा को डाइवर्ट करेंगे। चलिए तो अभी फिलहाल वॉक करते हैं, अच्छा लग रहा है एकदम। लोग आए आया है बाहर। हाँ चलो चलो बाहर आया। हाँ हम बाहर आए ना इसके लिए। अभी साई तो आ नहीं पा रहा है, साई शायद अभी कहीं बाहर जा रहा है दिवाली के लिए, वो बोल रहा है कि वो कुर्ता सिलाने वाला है, तो वो और उनकी मम्मी के साथ बाहर जा रहे हैं। तो चलिए अभी हम जाते हैं, देखते कोजागिरी पूर्णिमा के लिए ग्राउंड में क्या क्या अभी तैयारी चालू है, तो आपको ये बताता हूँ, अपडेट देता हूँ। तो चलिए चलते हैं ग्राउंड। कुछ ऐसा डेकोरेशन सजा है जैसा कि आप देख रहे हो ग्राउंड में, उस साइड टेबल है, पता नहीं उस साइड क्या है, ये सामने स्टेज रहेगा बैंड का, ये है स्पीकर, इधर स्पीकर ही सामने गेस्ट लोग आएंगे, टेबल के ऊपर स्पीकर रहेगा, क्या वो टेबल के ऊपर स्पीकर रहेगा, सामने गेस्ट लोग आएंगे बैठेंगे जो गिफ्ट देंगे, ये इधर सामने, और ये अंदर बैंड वाले है, उसके बगल में स्पीकर है, ये टेबल पे अपू भाई बोल रहे स्पीकर रहेगा, और ये चारों साइड से इसको घेर दिया है। आने वाला रात को जैसा देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो किया है भाई, मतलब मजा आएगा। और प्राइस भी मेन बात है कि प्राइस पूल जो रखे ना दोस्तों, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ज़्यादा रखें। तो ये जो कंपटीशन है उसमें ऐसा लगता है कि एक दो प्राइस तो शायद मिल ही जाएगा, ऐसा प्राइस इतना बड़े बड़े हैं, मेरे को भी लगता है, मैं भी डांडा अच्छा करता ही हूँ, लगता है मुझे मिल जाएगा प्राइस, क्या लगता है आपको? ए भाई कौन कौन प्राइस जीतने वाला है? जीतने वाला प्राइस मैं नहीं। हाँ जीतेगा? नहीं नहीं, ट्राई करेंगे ट्राई, पता नहीं मेरे को लग रहा है मैं जीत सकता हूँ, मैं ऐसे खेलता हूँ वैसे डांडा वांडा, बाकी तो अभी वक्त बताएंगे है ना। तो हम ऐसे ही जाते जाते ऐसे वॉक कर रहे थे, गन्ना ने बोला कि इधर दिवाली का किला बन रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो इन प्रोसेस है, अभी आधा हुआ लेकिन जैसा भी हुआ मस्त हुआ है। इस पे शिवराय लिखा है, क्या बात है, डोंट टच का ये डाला है बच्चे लोग ने, और ये रायगढ़ फोर्ट है, बता भी दिया। आप लोग कब बना रहे हो? आप बना बोल रहे हो ना, अच्छा बनाया ना, अभी बनना है अभी, और बाकी ये लोग का कुछ बना नहीं अभी, उसको फुल एकदम फोर्ट जैसा दिखाएंगे, पेंट करेंगे, उसके ऊपर गोनी डालेंगे, गोनी सो रहता ना मिट्टी है ना, अच्छा बना है दोस्तों।
मैं ही बनाऊंगा एग्जाम खत्म होने के बाद, ट्राई करूंगा अगर बना तो। चंदन से कहा जी जिंदगी में कभी नहीं बन सकता है, बात तो सही, प्राइज में डाल दूंगा। डोंट टच ली, डोंट टच ली कहा है, तो मैं टच नहीं किया। फिर अभी बस हो गया कि अभी और बनाने वाले हो कि बस हो गया बनाना? अभी और क्या करने वाले हो? रोज ये घास लानी पड़ती है। और क्या क्या करना है बताओ? फॉरेस्ट बनाना है, और उसको पेंट भी करना है क्या किला को? वो नहीं पता, वो नहीं पता। तो बस अभी और ग्रास डालोगे? मेरे को पता नहीं। कौन है फिर लीडर, कौन है? सुहान। और सुहान किधर है? घर पे चलेगा। इस राउंड मार के तो बहुत हो गया, चलिए एक बार वापिस चलते हैं ग्राउंड में, शायद गाना वाना बज रहा है, तो देखते हैं कैसा है सजावट। दोस्तों तो कुछ ऐसा सजावट है, बहुत दिखने में तो अच्छा लग रहा है, वो लाइटिंग वाइटिंग हो रही हो, देखो फोकस वोकस आ, लाइट वाइट आ रही है और लोग भी आ रहे हैं अभी धीरे धीरे, है ना गंदर? ये लाइट उसकी वजह से लग रही है। किसकी वजह से? विसर्जन के टाइम में थी ना। हाँ तो डेकोरेशन तो देख लिया, फटाफट पढ़ाई कर लेते और फिर आते इधर डांडा खेलने, तो जाते हैं अपने अपने घर, बाकी हमें भी करना है किला बनाना है। हाँ बनाने का। तो दोस्तों फाइनली घर पहुंच गए और अब पड़ोसी के घर पूजा है, तो चलिए चलते हैं पड़ोसी के घर। क्या पूजा है पता नहीं, पड़ोसी बताएगा समझेंगे। किस चीज़ का पूजा है? पूजा नहीं बस, वो एक ऐसा रहता है तड़ी भरने का रहता है, तड़ी मतलब भगवान का नाम लेने का रहता है और उसका प्रसाद बांटते हैं बस। चलेगा, चलो बॉय चलो। भी हमें टोपी पहनना है, टोपी पहना बॉय। टोपी को क्या बोलते हैं? टोपी ही बोलते हैं भाई, टोपी बोलते ना, पहनो ये ले। अब वो फिट नहीं हो रहा भाई। आरती हुआ, अभी प्रसाद लेते हैं, महाप्रसाद हमने किया जो अथर्व ने कराया हमसे, अभी प्रसाद खा रहे हैं। आपने खाओगे क्या भाई? हाँ बांट के खाऊंगा। निकले भाई, बाय बाय। तो चलिए बाय। अभी आया क्या चालू है? हमने पूजा किया अभी, ये क्या है? हमने पूजा किया अभी अथर्व के घर। क्या पूजा था? तो इधर से नीचे से मजा। हम कहाँ से आए? अथर्व के घर गए थे, पूर्णिमा के दिन और अमावस के दिन ना, खाली पूर्णिमा। एक और दिन बोला था ना उसे, तेल खा रहे हो लोग आज के दिन, और मतलब आज भी पूर्णिमा ही है, पूर्णिमा के दिन ही होता है पूजा होता है। क्या बता शेष, क्या होता है? पूजा होता है जिसमें वो प्लेट उठाते हैं समझी। अरे उसमें माता जी भी रहते हैं और मंत्र बोलते हैं और उठाते हैं, और हम लोग एक व्हाइट कलर का टोपी पहनते हैं। हाँ जो भी पांच लड़के चाहिए रहते हैं, पांच लड़के पांच हाथ से पकड़ते हैं और फिर वो लोग कुछ पढ़ते हैं और फिर मंत्र पढ़ के हम लोग, नहीं मंत्र पढ़ते बस, दादाजी पढ़ते हैं और उसका अथर्व पढ़ता है और हम लोग हाथ पकड़ते हैं, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे पांच बार, एक एक बार दो तीन बार, जब तक मंत्र चल रहे तब तक ऊपर नीचे, और फिर उसके बाद उसमें नारियल सूखा नारियल डालते हैं और प्रसाद रहता है। अब वो है कोजागिरी पूर्णिमा क्या होता है बताओ? मम्मी को नहीं पता कोजागिरी पूर्णिमा क्या होता है? कोजागिरी पूर्णिमा होता क्या है? कोजागरा होता है उसमें मखाना, गांव वाला मतलब मालूम है मेरे को होता। हाँ तो बताओ खाना वाना मत बोलो, मतलब क्या अर्थ क्या है जो त्योहार शादी का करते हैं कोजागरा हम लोग बिहार में, तो ऐसा वो तो शादी लेकिन शादी हुआ रहता ना ये साल में। हाँ और उसके बाद मतलब समझो जिसका, अब समझो अभी शादी नहीं है, शादी नहीं है तो भी हम कोजागरी पूर्णिमा सेलिब्रेट क्यों करते हैं? लेकिन होता है ये, वो ऐसा बोल रहा हूँ ऐसा, वो मालूम नहीं मेरे को। क्या आपको मालूम है? शादी के समय होता है। तो मीठा पान कब खाते हम? कोजागरा के दिन ही आज ही, पहले खाना वाना करते हैं वो लोग, पहले मखाना देते हैं, मखाना और बादाम वगैरह रहता है, वो फल फूल रहता है वो देते हैं पहले खाने के लिए, फिर वो लोग खाना वाना रखते हैं भोज के जैसा, खाना वाना खिलाते हैं और फिर इसके बाद सकलोड़ी वगैरह पिलाते हैं और फिर वो पान खिलाते हैं। तो दोस्तों अपू भाई ने तो बताया शादी का, हाँ पान एक मीठा पान, मीठा पान कोई नशील नशा वशा पानी है, नशीला पानी है, मीठा पान रहता है। लेकिन अभी कोजागिरी पूर्णिमा का अर्थ एकदम प्योर नहीं पता चला है, हमें पता करना पड़ेगा, लेकिन पहले फटाफट पढ़ लेते हैं और फिर जाते हैं गरबा करने, गरबा स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी मैं नहीं आऊँगा, पहले पढ़ाई करेंगे। जा रहे हैं फाइनली गरबा, लेकिन चलिए फटाफट चलते हैं, मैं करूँगा नहीं, मेरे को ऐसा मन नहीं कर रहा गरबा करने का, पता चला एग्जाम से दोस्तों आज कुछ ऐसे कर दिया का, टांग वांग ऐसे मुड़ गया, मोच आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो एकदम जोर शोर से गरबा चालू और आप देख रहे हो सबका कॉस्ट्यूम भी एकदम अच्छा है, कॉस्ट्यूम कॉम्पिटिशन शायद सब गरबा वाले कॉस्ट्यूम में आए हैं। अबू भाई जाओ अभी डांस करो। नहीं
नहीं भाई लड़का जीतना ही नहीं है। अच्छा तो आप ही डांस करो। अरे उधर 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 देखो इधर कर डांडा का कॉम्पिटिशन। डांडा कॉम्पिटिशन इधर ऐसे ही चालू है। डांडा कॉम्पिटिशन बोला ये लोग ने डांडा छुपा दिया भाई। दोस्तों बीच में जो मोटा है ना ये मोटा एकदम भाई याद है पता नहीं क्यों आता है ये। साइराज आ गया है। गौर से देखो इसे सेंटर में क्यों जा रहे हो हां सर्कल आप क्यों बनाया सेंटर में क्यों जा रहे हो हां मोटे मोटे कहीं के शर्म नहीं है आपको शर्म नहीं आई चुप बदले मोटे आप और बड़ी आपस से लड़ाई करो चलो लड़ाई चाहिए लड़ाई। हां नाचना नहीं सेंटर में नाचना और सेंटर टूट गया नाच सेंटर में नाच अभी टूट गया ना सेंटर बीच में नाच रहा था टूट गया ना नाच रहा था मैंने देखा वो करवा था ये इधर नहीं है उधर जा अभी टूट गया ना लेकिन ये देखो प्राइस के लिए आर्यन साइको ने देखो नहीं प्राइज मिलेगा। अरे नाचना ओम नाच ओम इते बगुन ओम इते ओम तुम्हें मैगी मिला हाय हाय हाय। अरे आप मैगी बन जाए हो हाँ क्यों मैगी क्यों लेकिन मैगी क्यों बन गए हो मैगी अच्छा लगता है इसके लिए कि मैगी खाने नहीं मिलता अच्छा लगता है आप जीत गए प्राइस क्या बात है टांग में ही मैगी ऊपर ही मैगड़े मैगी गिर रहा है साइराज कैसा कर रहे ये वो पार्टिसिपेशन प्राइस के लाए गए भाई ठीक है ना वो मुझे डाउट आ रहा है मेरे को नहीं कैसे रखेगा पार्टिसिपेशन प्राइस के लाए गए प्राइस नहीं मिलेगा है ना प्राइस नहीं भाई देख इसका प्राइस दिया जाएगा इतना पैसा लिया जाएगा मैंने क्या करना है इधर आ जाइए आप सफाई करो जरा सफाई करो चलो ढूंढो और ये लड़का बहुत अच्छा कर रहा है ये भाई ये मेरे को तो लग रहा है ये नॉमिनेट हो सकता है भाई अच्छा कर रहे हो भाई जीत सकते हो कैरी ऑन जी सकते हो मैगी अभी दूध पी रहा है क्या बात है मेरा मैगी दूध पी रहा है बहुत अच्छी बात है हेल्दी है ना मैगी भले मैगी बना है लेकिन मैगी दूध पी रहा है हेल्दी चीज है ना मैगी भी दूध पीता है ना मैगी भी दूध पीता है अच्छा मैं ये पता चल गया मैगी हेल्दी है मिली है सीख आज की मैगी भी दूध पीता है मैगी दूध पी रहा था मैगी और दूध को एक साथ मिला दिया उसने क्या अच्छा ही बनेगा मैगी और दूध एक साथ अरे प्रणाम नाचो क्या बात है साहिल क्या बात है डंक मार रहा है डंक बोलो जिन्होंने आज पूरा गाना गाया है दो ढाई तीन घंटा ये एक है और ये चौथे हैं भाई ऊपर क्यों एक लाख अरे साइड नहीं दिख रहा साइड चांद को पी रहे साइड एक काम करना आज से घर में आईना मत हटा देना आंख वाक हटा देना कभी चांद दिखाओ दूध लेके आना बाहर हाँ सच्ची दिखाओ तो सही कहाँ दिखा चांद आपको मेरे को बादाम दिख रहा है इसमें सब चीज दिख रहा है चांद के सिवा मेरे को देख रहा हूँ सीरियसली आइए प्राइज मिल गया है भाई को प्राइज मिला देखिए प्राइज में क्या है अरे भर लेना दूध भर लेना चेक करते गर्म है कि ठंडा है दोस्तों मैगी जीत गया मैगी को फाइनली प्राइज मिल गया है और मिक्सर ग्राइंडर मिल रहा है अभी चिट्ठी होने वाला है चिट्ठी रखने वाला है पार्टी हो वीडियो कितना बार
चालक्या कौन जीतेगा, टीम में से कौन जीतेगा? ये तो क्या है इसमें? पता है लेकिन कैसा है वो नहीं मालूम। ओवन किसे मिलेगा? ओवन किसे मिलेगा? अरे सचिन भैया भी एक देखे घर पे डिलीवरी फर्स्ट प्राइज स्मार्ट टीवी है दोस्तों, क्या लगता है किसे मिलेगा? सचिन भैया। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है क्या सर? टीवी टीवी पूछना, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन क्या बात करो और सब्सक्रिप्शन के लिए कौन सा ब्रांड है वो पता है? उधर एक अपना वो सेकंड हैंड टीवी पे, हाँ हाँ, वो डिब्बे में डाल के दिए। क्या बात कर रहे हैं, देख लिया प्राइस किस किस को मिला और साथ में आपने गरबा भी देखा और कैसे कैसे मिला, क्या क्या मिला वो भी आपने देख लिया। स्टार्टिंग का बेसिक प्राइस था थर्मस, उसके बाद थोड़े साड़ी बेचे, साड़ी ये दिया आंटियों को और उसके बाद प्राइस मिल रहा था गाइस, हमने लिया नहीं है, हमने बोला कूलर दे रहे थे क्योंकि मैं बहुत कूल हूं ना दोस्तों, मेरा भाई बहुत फेंकते है गाइस, प्लीज दिल पे ना लो। ए चुप हो यार, चलो घर आ गए। मैं भी हूं लेकिन मेरा भाई मेरे से सीख लिया है। तो अभी पापा खाना खा रहे हैं, खाने में है परवल गोभी आलू की पकौड़े भात दाल तीसी की चटनी और घड़ी घड़ी बोल रहा हूँ साग साग। तो दोस्तों चलिए खाना खाते और मिलते हैं खाना खाने के बाद, हमारा एक दूसरा और खाना खाते हैं और मिलते हैं खाना खाने के बाद। अच्छा खाना था, मजा आया दोस्तों, आपने प्राइस देखा रहेगा, गरबा देखा रहेगा, डांडा देखा रहेगा, वापस को जाकर आप सबको हाथ दिख चुका है दोस्तों। आज के लिए होप आपको चला तो लाइक सब्सक्राइब करना प्यार देते रहिए दोस्तों, और क्या हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय। देखो गाइस यही बात मिला है अभी फिलहाल, हाँ दीदी बाय 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 दोस्तों।